नमस्कार, मैं नियाज खान। इत्तेफाक, इस शब्द से आप कई बार रूबरू हुए होंगे। हमारी आपकी जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन्हें हम इत्तेफाक समझ लेते हैं। खैर, आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो है तो इत्तेफाक ही, पर आपको किसी सोची समझी प्लानिंग से कम नहीं लगेगी। जी हाँ, दरअसल ये बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है एक अस्पताल से। इस अस्पताल में काम करने वाली एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 11 नर्स एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। इसमें से दो की तो डिलीवरी डेट भी सेम है। ये सभी नर्स जुलाई से नवंबर के बीच अपने बच्चों को जन्म देंगी। हालांकि इस बारे में जब इन मीडिया प्रोफेशनल से सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की, ये महज इत्तेफाक है। जो भी ये खबर सुन रहा है वही अब कह रहा है कि आखिर अस्पताल के पानी में ऐसा क्या मिला था जो स्टाफ की 11 नर्स प्रेग्नेंट हो गई। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला अमेरिका के मिजूरी राज्य का है। यहाँ पर एक अस्पताल है जिसका नाम है लिबर्टी। बता दें कि ये सभी इस साल बच्चे को जन्म दे देंगी। 11 मेडिकल स्टाफ का एक साथ प्रेग्नेंट होना हर किसी को हैरान कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी 11 मेडिकल स्टाफ ऑब्स्टेट्रिक्स, लेबर और डिलीवरी डिपार्टमेंट में काम करती हैं। इसी को लेकर बार्थिंग सेंटर की डायरेक्टर निकी कोलिंग ने कहा, हम लोग ज्यादातर काम साथ में ही करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुई कि एक साथ 11 महिलाएं साथ में ही प्रेग्नेंट हो गई। जब से ये इत्तेफाक हुआ है, इस अस्पताल की बाकी महिला स्टाफ ने घर से ही पानी की बोतल लाना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि अस्पताल के पानी में ही कुछ ऐसा है जो महिलाओं को प्रेग्नेंट कर रहा है। हालांकि प्रेग्नेंट स्टाफ मेंबर ने कहा कि ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल है, टिप्स और एडवाइस लेनी हो तो कलीग से तुरंत कॉन्टेक्ट कर लिया जाता है, साथ में प्रेग्नेंसी का फायदा खूब मिल रहा है। ये प्रेग्नेंट नर्स इस पल को एक्सपीरियंस कर काफी खुश हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2019 में मेन मेडिकल सेंटर के लेबर और डिलीवरी यूनिट की 9 नर्स एक साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।